ये कंपनी कोई भी नया शेयर आप लोगों के सामने नहीं है, या फिर पेटीएम की बात कर लें, आप रिलायंस पावर को देख लो, कोल इंडिया को देख लो, यस बैंक का दोस्तों साउथ कोरिया की कंपनी ह्युंडई मोटर्स अब आप लोगों के सामने अपना आईपीओ लेकर के आने वाली है, जो कि अभी इंडिया में वो लगभग 28 साल से है। अब उसने सोचा है कि हम लोग अपना आईपीओ ला करके मार्केट में लिस्ट होते हैं और कंपटीशन को और बढ़ाते हैं। इसके बारे में समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों के सामने आने वाली हैं आने वाले समय में और कब तक ये आईपीओ आ सकता है। दोस्तों अगर हम लोग ह्युंडई मोटर्स की बात करें तो ये 90s से इंडिया में अवेलेबल है, ऑलमोस्ट 28 साल हो चुके हैं। और अभी हम बात करें आईपीओ से रिलेटेड डिटेल, तो सेबी के पास इन्होंने अभी ड्राफ्ट डाला है, अभी कोई भी कंफर्म डेट नहीं है, अभी सेबी अप्रूव करेगा इनके आईपीओ को, तब जाकर के आप लोगों को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ह्युंडई मोटर्स की आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने की बात है, क्योंकि ये कंपनी कोई भी नया शेयर आप लोगों के सामने नहीं लॉन्च कर रही है, ये अपने जो भी शेयर्स हैं उनमें लगभग 17.5% का शेयर बेचेगी आप लोगों के सामने, यानी कि आप लोगों के सामने आईपीओ के थ्रू डालेगी, और वहाँ पे ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ रुपए जुटाने की ये उम्मीद करती है, और ये देश का सबसे बड़ा आईपीओ हो जाएगा एलआईसी के बाद से। अब सबसे बड़ा आईपीओ जितने भी आए हैं दोस्तों ना, वो पिटे ही पिटे हैं, जैसे कि अगर हम एलआईसी की बात कर लें या फिर पेटीएम की बात कर लें, आप रिलायंस पावर को देख लो, कोल इंडिया को देख लो, यस बैंक को देख लो, मैं आप लोगों को इनके आईपीओ दिखा देता हूँ कि इनके आईपीओ किसे कितना पैसा इन्होंने उस समय जुटाया था। तो अभी फिलहाल ये एलआईसी के बाद से एक सबसे बड़ी कंपनी हो जाएगी जो कि अपना इतना बड़ा आईपीओ लेकर के आ रही है, और मार्केट में यानी कि जब एक्सचेंज में लिस्ट होगी तो चौथी सबसे बड़ी कंपनी हो जाएगी ऑटो सेक्टर्स में। और इंडियन मार्केट में बात करें तो ऑलमोस्ट 15-16% मार्केट शेयर रखती है अपनी कार से। अब आईपीओ की बात करें दोस्तों, तो अगर सेबी सब कुछ एक प्रोसेस के थ्रू चलता है तो मुझे लगता है कि 8 अक्टूबर-नवंबर के आसपास देखने को मिल सकता है, यानी कि अगर आप दिवाली की बात करें तो दिवाली में ये आईपीओ आप लोगों के सामने आता हुआ दिखेगा, जो कि देश का सबसे बड़ा आईपीओ होगा 25,000 करोड़ रुपए तक का। बाकी दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, ह्युंडई मोटर्स एक अच्छा परफॉर्मेंस देगी? क्योंकि अगर हम लोग, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कुछ नाम जो कि सबसे बड़े आईपीओज़ हैं, एलआईसी भी आने के बाद काफ़ी समय तक नीचे रहा, लगभग एक साल तक डाउन ही रहा, कोल इंडिया देख लो, यस बैंक देख लो उसकी हालत क्या है, पेटीएम के बारे में तो आप कुछ बोलो ही ना, इतना बड़ा हवा बनाया गया था पेटीएम को। आप लोगों को क्या मानना है नीचे कमेंट करके बताओ। और मुझे एक चीज़ दोस्तों जो लगता है कि अगर ह्युंडई मोटर्स आप लोगों से पैसा जुटा रही है, लगभग 812 मिलियन शेयर्स हैं जिनमें से आप लोगों के सामने 112 मिलियन शेयर्स रखे जा रहे हैं, तो मुझे लगता है 112 मिलियन शेयर आप लोगों के सामने ह्युंडई मोटर्स सेल करके जो कार्स इंडिया में लॉन्च नहीं हुई हैं वो लॉन्च हो सकती हैं, जिनका आप लोगों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो एक मार्केट शेयर इसका जो है ना वो बढ़ सकता है आने वाले समय में, मुझे लगता है, क्योंकि अभी ऐसी बहुत सारी फ्लैगशिप्स कार हैं और थोड़ी बजट की इशू है इंडियन मार्केट में, इसलिए वो कार लॉन्च नहीं होती हैं और मैन्युफैक्चरिंग की भी, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा उन प्रोडक्ट्स में कटौती करके आप लोगों के सामने प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर सकती है, अपनी कार्स भी लॉन्च कर सकती है, क्योंकि इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हुई हैं और अदर कंट्रीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं। बाकी दोस्तों आप लोग कौन सी कार का वेट कर रहे हो नीचे कॉमेंट करके बताओ। बाकी कोई अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही है, उम्मीद है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी कुछ समझने में। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, दूसरों के साथ शेयर करके ह्युंडई मोटर्स के बारे में बताओ, क्योंकि बहुत से ऐसे डीएम आते थे मेरे पास कि सर मुझे ह्युंडई में इन्वेस्ट करना है, टाटा मोटर्स वगैरह में मेरा इन्वेस्टमेंट है, मैं ह्युंडई में कैसे इन्वेस्ट करूँ? तो अब आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अक्टूबर नवंबर के बाद। लेट्स सी, देखते हैं कब आईपीओ इसका आता है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इस तरह की वीडियोस के लिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आप लोगों का दिन शुभ हो, जय हिंद।